ओके लेट्स स्टार्ट द टूर फ्रॉम द एंडेड पार्ट ऑफ माई हाउस। ये जो है घर का सबसे आखिरी हिस्सा है, आप इसे बैकआउट यार्ड भी कह सकते हैं। ये इस तरीके से है, यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है धोने का सिस्टम, वॉशिंग सिस्टम बनाया गया है, यानी कि कपड़े या फिर बर्तन, अगर जो बड़े पतीले वगैरह होते हैं वो यहाँ धोए जा सकते हैं। ऊपर से इस तरीके से ये ओपन है और यहाँ पे ये वॉश बेसन है, आगे वॉशरूम है। वॉशरूम जो है दिखाने वैसे नहीं चाहिए और मैं दिखाना भी नहीं चाहती, पर फिर भी मैंने कहा टाइल्स का थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि अपने घर का टूर दें, अपने घर का टूर दें, दिस इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। तो मैं उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कहा है उनके लिए थोड़ा बहुत यानी आइडिया आप लोग कर सकें कि किस तरीके से दिखती हैं टाइल्स और उनके डिज़ाइंस वगैरह। फ़र्श वगैरह मैं नहीं दिखा रही क्योंकि अभी फ़िलहाल हम लोग शिफ्ट नहीं हुए, थोड़ा सा डर्टी है। डर्ट इस सेंस में कि मिट्टी है, वैसे तो यूज़ में नहीं है ये भी, तो अभी प्रोसेसिंग में ही है शिफ्टिंग। ये इस तरह से डबल डोर है, ये बैक कोर्ट यार्ड से अगर आप एंटर हों तो ये इस तरह से डबल डोर है। ऐसे जी हम आ रहे हैं टीवी लाउंज की तरफ, टीवी लाउंज में आ गए। यहाँ पे चारपाई पड़ी हुई है, देसी माहौल है जी, सबके घरों में होती है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये इस साइड पे एक कमरा है, मैंने कहा ना अभी तक कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं हुई, थोड़ा बहुत जो है हमें मतलब जो हमें लगता है हम वो ले आते हैं। इसी घर की बैक साइड पे, जैसे जिस डोर से मैं एंटर हुई थी बैक कॉर्टयार्ड से, उधर उस घर में हम लोग रह रहे हैं। आगे हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है, दोनों ही घर हमारे हैं। ये एक कबर्ड पड़ी हुई है यहाँ पे, ये जो मेरे बच्चों की फूफो ने उन्हें गिफ्ट की है कबर्ड, तो ये गिफ्ट है कबर्ड जो है इस रूम में। फ़िलहाल यहाँ पे कबर्ड और ये सोफ़ा रखा हुआ है। जैसे इस रूम से बाहर निकलते हैं सामने एक और रूम है, और आप इस रूम को जो है यहाँ पे साइड पे आ गए हैं। ये टीवी लाउंज है, मैंने कहा लाइट्स ऑन कर लूँ पहले फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ से मैं एंटर हुई थी, तो ये जो पीछे आप लोगों को नज़र आ रहा है ये वो घर है जहाँ हम लोग पहले रहते थे। तो यहाँ से मैं एंटर हुई, जब हम लोग इस घर में कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएंगे ये डोर हम लोग क्लोज़ कर देंगे, फिर उस घर का देखते हैं, शायद हम लोग इसे किराए पे दे दें या फिर इसे यूज़ करते रहें। फ़िलहाल तो हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे ही हम लोग आ रहे हैं तो धोना बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी वॉशिंग मशीन हर तकरीबन दूसरे तीसरे दिन लगती है। जो चीज़ लेकर आते हैं अंदर उसकी चादर कपड़े वगैरह उतार देते हैं तो वो धोते हैं। जैसे ऊपर ऐसे जो है एक क्लॉक लगी हुई है। अब मैं आप लोगों को टीवी लाउंज की रूफ़ दिखाती हूँ, सीलिंग, उस पर सीलिंग हुई है, सीलिंग इस तरीके से हुई हुई है। ये फ़ैन लगे हुए हैं, फ़ैन के दरमियान में जो है वो झूमर के लिए जगह है, और ये वो लासानी है जिसे मैं पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था मैं कलर कर रही थी। यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रही क्योंकि इसके नीचे वाइट कलर का पेज या कुछ भी लगना था ताकि जो है डिज़ाइन कम्प्लीटली नज़र आ सके। अब वो बैकग्राउंड का शेडो पड़ रहा है तो वो डिज़ाइन क्लियर नहीं नज़र आ रहा। ये इस तरीके से सामने जो है हमने लकड़ी का थोड़ा सा काम करवाया है। यहाँ पे सामने LCD लग जाएगी, TV लग जाएगा, और ये कॉर्नर बनवाया है। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं रखा, जो मौजूद थे शो पीसेस घर में ही उन्हें ही साफ़ करके थोड़ा बहुत रख दिया है। कम्प्लीटली जब हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे और इनकी कम्प्लीट डेकोरेशन हो जाएगी मैं तब भी आप लोगों को एक बार दिखाऊंगी। ये वही रूम है जब हम उस रूम से निकले थे, सामने एक रूम था, ये मास्टर बेडरूम है। कि मास्टर बेडरूम मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि इसके साथ हम लोगों ने अटैच वॉशरूम रखवाया है। ये इस तरह से इसकी सीलिंग है। अच्छा, इन सीलिंग के ना साथ LEDs लगी हुई हैं, मैं जो है टीवी लाउंज के उसमें सीलिंग में ऑन करना भूल गई। इस तरह से ग्रीन कलर की LEDs लगी हुई हैं। ये सामने एक कॉर्नर हम लोगों ने बनवाया है, जिसे हमने किचन बनवाया था ये कॉर्नर वो हमें गिफ्ट करके गए, यानी उसने खुद ही हमें बना के दिया। डिज़ाइन हम लोगों ने उसे बता दिया था, वो कह रहा था कि कोई भी अगर आपने कॉर्नर बनवाना है तो बनवा लें, दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर यू। तो ये जो है वो जो हमारा किचन का काम करके गया था, कैबिनेट्स वगैरह लगा के गया था वर्कर, उसने हमें गिफ्ट किया है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे भी कुछ नहीं रखा हुआ, किसी भी रूम में फ़िलहाल कुछ नहीं है। अभी हम लोगों ने शिफ्टिंग स्टार्ट की है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके आ रहे हैं, कुछ फर्नीचर जो है ठीक होने के लिए दिया है। ये इसके साथ अटैच वॉशरूम है, तो ये देख लें यहाँ पे
इस तरीके से है। यहाँ पे ये वॉश बेसन टैब वगैरह, और ये यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। टाइल्स का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। ये जी कंप्लीट ओवरव्यू इस वॉशरूम का। ये सामने वेंटिलेशन के लिए, और इस तरीके से टैब शावर वगैरह जो है, ये सिर्फ आइडिया देने के लिए है। प्लीज़ आप लोग ये मत समझिएगा मैं शो ऑफ कर रही हूँ कुछ और, ये इसलिए नहीं है। बहुत सारे लोगों ने जो है रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। अच्छा, हमने वॉशरूम के ऊपर इस तरीके से ना स्टोर बनवाए हैं छोटे छोटे, जिन्हें लोग परछत्ती भी कहते हैं, ताकि कोई चीज़ इंस्टेंटली या जल्दी से आप लोगों ने स्टोर करनी हो और यूज मतलब निकालनी भी हो तो वो आप यहाँ रख लें छत के स्टोर रूम को यूज़ किए बगैर। साथ एक और रूम है इस तरीके से। मुझे इस रूम का ना सबसे ज़्यादा पसंद कलर है, बट ये मेरा रूम नहीं है। कलर कैमरे के अंदर जैसा आ रहा है वैसा है नहीं, ये मूंगिया कलर है, यानी मूंग की दाल के ऊपर जो छिलका होता है ना उस कलर का है। तो ये जस्टिफाई नहीं हो रहा कैमरे में, बट दिस इज़ द मेरे लिए बहुत, मुझे बहुत पसंद है ये कलर। अच्छा, ये कलर आप देख लें क्लियरली। यहाँ ऐसे यहाँ पे जो है साइड पे एक कॉर्नर बनाया गया है। ये भी फूल वगैरह फ़िलहाल हमने ला के रखे हैं, लेकिन ये यहाँ पे रखने नहीं है, ये हम चेंज कर देंगे। जगह खाली थी तो जिसका जो दिल करता है वो कर लेता है। इसी तरह यहाँ पे ऊपर एक छोटा सा स्टोर बनाया है। ये साथ जो है ओपन एरिया लगता है इस रूम को, ऊपर से ये ऐसे ओपन है, ये वेंटिलेशन के लिए है। तो इस तरीके से यहाँ पे ओपन एरिया, यहाँ पे आप गर्मी में जो है एयर कूलर भी रख सकते हैं अगर आप एसी का कोई इंतज़ाम नहीं है, या वैसे गर्मी में यहाँ पे हवा बहुत चलती है। इसको अगर खिड़की को खोल दिया जाए तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ठंडी, खूबसूरत कह रही हूँ, बहुत ही ठंडी हवा चलती है यहाँ पर। मेरा भी ना दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया शिफ्टिंग कर करके। ये हमारा जो है साइड पे किचन है। ये जी गैलरी की सीलिंग देख लें आप लोग। ये हम आ गए हैं किचन में। फ़िलहाल किचन का भी कुछ हिसाब किताब थोड़ा सा उजड़ा ही हुआ है, देख सकते हैं आप। बर्तन वगैरह रखने वाले हैं, बहुत सारे बर्तन और बहुत सारी चीज़ें, और बहुत कुछ मैं रख चुकी हूँ लेकिन फिर भी बहुत कुछ रहता है यहाँ पे। इस तरीके से ये साइड पे एक अलमारी है। अच्छा, इसके अंदर लाइट ऑन होती है, जो मैं चलाना भूल गई थी उस टाइम, जिस टाइम मैं ये इसे कैप्चर कर रही थी सीन को। ये सिंक है, ये इसके ऊपर, यहाँ पे साइड पे ओवन है, यहाँ पे साइड पे फ्रिज जा जाना है। ये थोड़ा सा हम लोगों ने ओपन छोड़ा है टीवी लाउंज में, ये ओपन होती है ये इस तरीके से, विंडो ही कह लें आप लोग। यहाँ पे सोच रहे हैं हम रोलर ब्लाइंडर लगाने के लिए, कि जब दिल किया इसे उठा लिया, जब दिल किया इसे बंद कर दिया। ये साथ में ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम का एक दरवाज़ा टीवी लाउंज के अंदर खुलता है और एक दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता है। बाहर की तरफ यानी कि गैराज में खुलता है इसका दरवाज़ा। तो इस तरीके से ये ड्राइंग रूम है। यहाँ पे फ़िलहाल अभी टेबल शरीफ आए हैं। ये यहाँ साथ वॉशरूम है। मैं जो है आपको पहले सीलिंग दिखाती हूँ ड्राइंग रूम की। वो जिन एलईडीज़ का मैं कह रही थी मेरे रूम में और टीवी लाउंज में, इस तरीके से ग्रीन कलर की एलईडीज़ हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। वहाँ मैं ऑन करना भूल गई थी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अच्छा, ये क्लॉक भी हमें गिफ्ट आया था, और भी बहुत सारे गिफ्ट आए थे जो फ़िलहाल हम लोगों ने लगाए नहीं हैं, बट बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने दिया और जिनकी दुआएं थी, जिनकी वजह से ये घर बन गया। ये वॉशरूम ड्राइंग रूम के साथ, इसका भी आप ओवरव्यू कर लें थोड़ा सा, टाइल्स वगैरह देख लें। तो मैं कह रही थी कि अल्लाह पाक सबको अपना घर दे। हाँ जी, घर बहुत ज़्यादा बड़ा या अच्छा तो नहीं, लेकिन जैसा भी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपना है। अच्छा, ड्राइंग रूम में एक जो है विंडो है इस तरीके से, जो लॉन की तरफ ओपन होती है। लॉन में फ़िलहाल हम लोगों ने जो है घास वगैरह उगाई, उगाने की कोशिश की, लेकिन वो सही तरीके से उग नहीं पाई। फिर हमें लगा कि शायद अभी से ज़मीन को ज़रखेज़ होना चाहिए। फिर हमने मेरी जो मदर इन लॉ उन्होंने थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ उगाई कि ज़मीन जब मिट्टी जो है थोड़ी ज़रखेज़ हो जाए, लेकिन घास यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो रही। कि जिन्हें गार्डनिंग के बारे में पता है या आइडिया है, वो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें कि हम यहाँ पर घास किस तरीके से उगाएं प्रॉपरली, कि यहाँ पे ग्रीनरी हो जाएगी। हमने वैसे लॉन के लिए जगह छोड़ी है,
कि यहाँ पे जो है हम लोग घास उगाएं। मेरा आइडिया ये था कि हम घास उगाएं, साथ पौधे वगैरह रखें, बहुत अच्छा जो है ना छोटा सा माहौल बन जाता है कि बंदा चाय वगैरह पी लेता है, दो चेयर्स और एक टेबल रख के छोटा सा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये विंडो है, ये किचन की विंडो है, ये सारा गैराज है। अभी ये पड़ी ही हुई हैं मिस्त्रियों की चीज़ें भी कुछ। ये गैराज है, ये गैराज की छत इस तरीके से दिखती है। सामने गेट आ गया, यहाँ पे चारपाई पड़ी है, उसके ऊपर पतीला पड़ा हुआ है क्योंकि अभी हम फ़िलहाल अच्छे तरीके से शिफ्ट नहीं हुए। तो यहाँ पे साइड पे इस तरीके से स्टेयर्स हैं, यू कैन सी क्लियरली नाउ। मैं अभी कैमरे को इस तरफ लेके जाती हूँ, ऊपर का पोर्शन मैं फ़िलहाल नहीं दिखा रही, जब हम लोग सेट हो जाएंगे अच्छे तरीके से फिर मैं आप लोगों को ऊपर का पोर्शन, नीचे का पोर्शन भी अच्छे तरीके से दिखाऊंगी। यानी ये होम टूर है बिफ़ोर शिफ्टिंग, आफ्टर शिफ्टिंग भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि वो किस तरीके से जब हम लोग शिफ्ट हो गए दिखता है। ये भी एक गिफ्ट था जो दिया मेरी सिस्टर ने था, और ये गिफ्ट है जो ये मेरे पेरेंट्स ने दिया था। और ये आउटलुक बाहर का घर का, के घर बाहर से किस तरीके से दिखता है आप इसे देख सकते हैं। मुझे तो फ़िलहाल खैर बहुत खूबसूरत लगता है, आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लग रहा है, प्लीज़ ज़रा कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी फीलिंग्स। ये रात के टाइम इसका सारा ओवरव्यू या ओवरलुक या आउटर लुक, अब मुझे नहीं समझ आ रही कौन सा लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मैं तो बहुत खुश हूँ, खुशी की मेरी इंतहा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरी खुशी सबको दिखाए, सबको नसीब करे। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अपनी फीलिंग्स, अपनी दुआएं, अपने सजेशंस, जो भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।